कल बाहर मत निकलना, दो दिन घर से बाहर नहीं निकली। इन उस्ताद ने उसको भी सर माथे रखा और कहा कि ठीक है आप सरकार है, आप जो चाहते हैं कर लीजिए। इन्हें लगा धीमा धीमा जहर ले रहे हैं ये एनआरसी एनपीआरसी, धीमा धीमा दे देंगे। पर इन्हें यह समझ में नहीं आया कि पिछली बार तो मुसलमान की बात थी, इस बार बात देश के संविधान की भी करी थी। दलित वो साहिब कहते हैं हमने कुत्तों की तरह गोली मारी थी उन लोगों को जो मोदी और योगी और अमित शाह का विरोध कर रहे थे। कम से कम 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अब उन लोगों का ये समर्थन करते हैं और हम आहा भी कहते हैं, क्योंकि उनको वो जो ट्रिपल तलाक लेकर आए थे उनको लगा था कि ये औरतें बहुत कमजोर हैं, ये औरतें उनकी माँ बहनें सड़कों पे बैठी हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही मायने में मोदी जी उनके लिए रिश्तों की कोई कीमत है ही नहीं। यही रीजन है कि वो अपनी माँ से मिलने से इलेक्शन के टाइम पे जाते हैं, यही रीजन है कि वो अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम उनसे कहते हैं हम बाल बराबर पीछे नहीं हटेंगे। चाहती हूँ कि क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखती हूँ और आप लोगों की आंखों में जो एक उम्मीद नजर आती है वो हौसला बढ़ाती है, क्योंकि एक उम्मीद के साथ ही आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये कौन सी सरकार है? ये वो सरकार है जिसको हमने वोट देकर और उसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर उनकी नजर में हम गलत हैं, तो हमारी नजर में ये सरकार गलत है। इन कुर्सियों पे चढ़ के बैठी है जो इनकी अपनी नहीं है। मकानों की दीवारें बनाए, हमारे दिलों में दीवारें। आज संविधान की चर्चा हो रही है, आज धर्मनिरपेक्षता की चर्चा हो रही है, संविधान में लिखे जो हमारे लिए जो हमें कहा जाता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक लोकतंत्र है, इन सब बातों की चर्चा हो रही है। तो जहाँ ये सारी नीतियाँ लाकर ये हमें तोड़ना चाहते थे, आज हम जुड़ चुके हैं।